हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ न्यू स्टेट मोबाइल। तो भाई लोगों, आज अपने न्यू स्टेट मोबाइल के अंदर एक और जो अपग्रेडेबल व्हीकल की स्किन है वो आ चुकी है, जो कि हम सबको देखने को मिली है कैरेट के अंदर। बात करें इस बार स्किन के बारे में तो डीमन चेजर वोल्टा की जो स्किन है वो भाई लोगों हम सबको इस बार देखने को मिली है, जो कि अच्छी स्किन है, देखने में बढ़िया है। बाकी यहाँ पर से बात करें इसके इफेक्ट वगैरह के बारे में, तो सही बताऊँ तो भाई ये जो इफेक्ट वगैरह है मुझे उतने ज़्यादा कुछ खास नहीं लगे हैं, इससे अच्छे तो भाई नोवा के थे। बट यहाँ पर से स्किन बढ़िया है, इस बारे में लकी स्पिन में ना दे के कैरेट में दी है, जो कि भाई काफ़ी अच्छी बात है। बिकॉज क्रेड के अंदर आप सबको और भी काफ़ी सारे जो रिवॉर्ड्स हैं वो यहाँ पर से देखने को मिल जाते हैं। तो चलो यार, बिना किसी देर के हमारी आज इस बारी क्रेड ओपनिंग को स्टार्ट करते हैं एंड यहाँ पर से ट्राई करते हैं कि क्या हमें ये बारी स्किन देखने को मिलेगी। तो शुरुआत करेंगे अपने 10-10 टाइम के क्रेड को ओपन करके एंड अपना जो पहला 10 का क्रेड है इसको ओपन कर देते हैं। और बाकी देखते हैं यहाँ पर से कि अपने पहले 10 के क्रेड के अंदर से अपने कौन कौन से रिवॉर्ड्स निकलते हैं, इसको जल्दी से ओपन कर देते हैं। एंड यहाँ पर से अपनी आ चुकी है पिंक लाइट, बाकी रिवॉर्ड्स भी हम लोग देख लेते हैं कि क्या कुछ इसके अंदर से अपने रिवॉर्ड्स मिलते हैं। सेकंड में यहाँ पर से कुछ हमें मिथिक देखने को मिला है। ओके, तो यहाँ पर से हम सबको एक जो कॉस्ट्यूम है वो देखने को मिला है, अगेन मिथिक यहाँ पर से हम सबको देखने को मिल चुका है, क्रॉसबो का स्किन। चलो यार, ये बढ़िया चीज़ हुई है, पिंक के अंदर से 2 मिथिक निकल चुके हैं, बाकी देखते हैं कि क्या कुछ और देखने को मिलेगा। ओके, यहाँ पर भी कुछ मिथिक है एंड वही हम सबको कॉस्ट्यूम फिर से देखने को मिला है। चलो यार, नेक्स्ट अपना जो 10 का क्रेट है इसको भी ओपन करते हैं और इस बार देखेंगे कि क्या देखने को मिलेगा। बाकी यार, यहाँ पर से वोल्टा की स्किन देखने को मिल जाए तो भाई मज़ा ही आ जाएगा। इसको भी जल्दी से यार ओपन कर देते हैं और इसके अंदर भी हम सबको देखने को मिली है पिंक लाइट, बाकी क्या ये पिंक अपनी मिथिक में कन्वर्ट होगी। चलो यार, देखते हैं कि क्या कुछ देखने को मिलता है, क्या यहाँ पर कुछ बढ़िया देखने को मिलेगा। यहाँ पर हम सबको देखने को मिली है एक हैट, ओके, और कुछ है क्या? ओके, यहाँ पर हम सबको देखने को मिला है डीमन चेजर का मास्क। चलो ठीक है भाई, और क्या दे रहे हो? और तो भाई इसके अंदर कुछ है नहीं। सो अगेन ओपन करेंगे एंड देखेंगे कि क्या इस बार कुछ बढ़िया रिवॉर्ड्स देखने को मिलते हैं। तो जल्दी से इस बार 10 के क्रेड को भी ओपन कर देते हैं एंड देखते हैं कि कौन सी लाइट है। तो लो भाई साहब, एक बार फिर अपनी जो पिंक लाइट है वो इसके अंदर भी आ चुकी है। रिवॉर्ड्स यार जल्दी से देख लेते हैं कि इसके अंदर से कौन कौन से निकलते हैं। तो इसके अंदर भी हम सबको ज़्यादा कुछ खास तो देखने को मिला है नहीं। तो चलो यार, क्यों ना एक बार अपने चिकन मेडल से लक को ट्राई करा जाए। तो अपने 30 चिकन मेडल से जो अपना 10 का क्रेट है इसको ओपन करके देख लेते हैं कि इसके अंदर क्या कुछ हमें बढ़िया देखने को मिलता है। बिकॉज यहाँ पर चिकन मेडल से काफ़ी बार अच्छी जगह रिवॉर्ड्स हैं वो निकल जाते हैं। तो यहाँ पर से अपनी आ चुकी है पिंक लाइट चिकन मेडल से भी ओपन करने पर। अभी यार रिवॉर्ड्स यहाँ पर से देख लेते हैं कि क्या कुछ देखने को मिलते हैं। अगेन जो डीमन चेजर का मास्क है वो हम सबको देखने को मिला है एंड और देखते हैं कि क्या कुछ और भी इसके अंदर है। ओके, तो यहाँ पर से सिर्फ इस बार हमें अगेन जो अपना डीमन चेजर का मास्क है वो देखने को मिला। चलो यार, अभी फिर से एक बार अपने एनसी से 10 का जो क्रेट है इसको ट्राई कर लेते हैं, इसको भी जल्दी से ओपन कर देते हैं। और लो भाई साहब, फिर से पिंक लाइट। तो एक और अपना जो लास्ट क्रेट है उसको मैं ओपन करूंगा चिकन मेडल से एंड देखते हैं कि क्या इस बार कुछ बढ़िया देखने को मिल पाता है। बाकी गाइस, आपने इस बार क्रेट को ओपन करा है या फिर नहीं, आप लोग मुझे एक बार कमेंट करके जरूर से बता देना। और यार, इसके अंदर से आप सबको कौन कौन से रिवॉर्ड्स देखने को मिले हैं वो भी आप मुझे एक बार कमेंट करके जरूर बता देना। तो अपने मेन अकाउंट के अंदर तो हमें ये वाली वोल्टा की स्किन देखने को नहीं मिली, बट गाइस हम लोग अपनी इस बारी स्किन को जरूर से निकालेंगे। तो मैं अपने सेकंड अकाउंट के अंदर आ चुका हूँ भाई, मतलब आप बोल सकते हो ये बारा जो अकाउंट है मैंने ऐसा ही बना के रखा था। तो हम लोग इस बारे अकाउंट के अंदर भी मेरे पास 40 जो चिकन मेडल है वो पड़े हुए हैं, तो इससे ओपन करेंगे क्रेट को। तो इसके अंदर देखते हैं कि अपनी कौन सी जो लाइट है वो निकलती है। तो जल्दी से इस बारे क्रेट को ओपन कर देते हैं एंड यहाँ पर से अपनी आ चुकी है भाई मिथिक लाइट। क्या इस बारी मिथिक लाइट के अंदर हम सबको जो गोल्डन वोल्टा की स्किन है वो देखने को मिलेगी। चलो यार, देखते हैं कि इसके अंदर से क्या कुछ रिवॉर्ड्स निकलते हैं। तो यहाँ तो अपना फिलहाल में कुछ भी देखने को नहीं मिला। ओके, तो यहाँ पर से कुछ आ चुका है और लो भाई साहब, यहाँ पर से जो अपनी वोल्टा की स्किन है वो मेन अकाउंट में तो नहीं, बट भाई यहाँ पर से अपने जो सेकंड अकाउंट है उसके अंदर यहाँ पर से निकल चुकी है। तो चलो यार, देख लेते हैं कि ये बारी जो अपनी स्किन है देखने में किस तरीके की लगती है। ट्रेनिंग ग्राउंड में भी इस बारी स्किन को चेकआउट करेंगे। बाकी यार, ये कुछ अपने रिवॉर्ड्स जो कि हमें इस बारी क्रेट ओपनिंग से देखने को मिले हैं। तो इससे ज़्यादा अभी मैं जो इसकी क्रेट ओपनिंग है वो नहीं करने वाला हूँ, तो आज इस बारी छोटी सी क्रेट ओपनिंग के अंदर बस यार भाई लोगों, इतना ही था। आई होप से आपको ये वाली मेरी क्रेट ओपनिंग की वीडियो पसंद आएगी। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो भाई वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल पे न्यू आ रहे हो तो भाई सब्सक्राइब कर लेना। बाकी रिवॉर्ड्स तो आप भी लोग देख ही सकते हो कि क्या कुछ अपने को देखने को मिला है। तो इस वाली वीडियो में बस यार इतना ही था। मैं मिलूंगा आप सबसे किसी अगली नेक्स्ट न्यू स्टेट मोबाइल की ऐसे इंटरेस्टिंग सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।